हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में कौन सा कलर यूज करती हूँ। तो ये गार्नियर का अल्ट्रा कलर है, अल्ट्रा कलर नेचुरल, गार्नियर कलर नेचुरल है, अल्ट्रा कलर है ये बिल्कुल भी मतलब अमोनिया फ्री है। एंड ये ब्राउन शेड है, मैं अपने बालों के लिए ब्राउन शेड यूज करती हूँ। आप ब्लैक भी ले सकते हो, इसमें ब्लैक भी आता है, कॉपर रेड भी आता है, बट मुझे ब्राउन अच्छा लगता है तो मैं ब्राउन शेड यूज करती हूँ। तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ। इसमें दो पाउच दिए होंगे, डेवलपर एंड कलर क्रीम, उन दोनों को एक बाउल में निकाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अगर आपको प्रॉपर पूरा अच्छे से बरगंडी कलर चाहिए तब तो आपको एक घंटा अपने बालों में इसको रखना पड़ेगा, और कॉपर रेड में चाहिए तो इसी से आपका कॉपर रेड भी हो जाएगा। आप 15 से 20 मिनट में अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा तो नेचुरल सा जैसे मेरा कलर है इतना दिखेगा, और पूरा ब्राउन कलर चाहिए तो आप एक घंटा रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको करना और कैसे अप्लाई करना है, दिखा देती हूँ, फिर फाइनल लुक क्या आता है। अभी मेरे बालों का कलर जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया सारा बाल। तो अप्लाई करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये आपको दिख रहा है गार्नियर कलर नेचुरल अल्ट्रा कलर एंड डेवलपर है ये। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलपर है एंड ये वाला है कलर है। तो इन दोनों को मिक्स करना है, एक कांच का बाउल ले लेना है और इसमें डाल देना है। प्लीज डोंट माइंड, एंड चूड़ियाँ मैंने निकाल के ही रखी हुई हैं। डाली तो पूरा अच्छे से इसको एक बाउल में पहले हम लोग का डेवलपर डाल दे रहे हैं। तो वो डेवलपर को मैंने पूरा निकाल लिया है। अभी यहाँ पे कलर को भी मैंने कट कर लिया है और इसको भी उसी के अंदर इस तरीके से निकाल लेंगे। जिस कलर का आपको बालों का कलर करना है उसी कलर का अंदर डेवलपर दिया होता है कलरिंग। पूरा निकाल लिया, अब इसको एक ब्रश की मदद से मिक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना देंगे और बालों पे अप्लाई करेंगे। आप चाहो तो जड़ से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब अभी मेरे स्टूडेंट इसको अप्लाई करेगी मेरे बालों पे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बालों पे अप्लाई करेंगे और 30 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद से बालों को वॉश कर दूँगी। ऐसे हल्का हल्का ले के बाद स्टार्टिंग से ही नहीं लगाते, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से लगा दीजिए, फिर चाहे नीचे से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लगाना शुरू कीजिए पूरे बाल पे। और ग्लव पहनिए, हाथ से पूरा फैलाते जाइए, हाथों से पूरा ऐसे फैलाते जाइए कलर। ओके, दूसरा वाला ले इसको लगाइए। पूरा लगाने के बाद से कंघी से अच्छे से कॉम कर देना ताकि अच्छे से सारे बालों में फैल जाए। कैसे लगाना है यहाँ से भी नीचे तार है तो कर नीचे करके ऐसे कर, इस तरीके से पूरा अप्लाई करने के बाद से अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लेना है, मिक्स कलर को इस तरीके से। ओके, ऐसे ही करते हुए पूरे बालों में एक एक लेयर्स में लगा देना है अगर अच्छे से कलर चाहिए तो। तो अभी मैं पूरे बालों में अप्लाई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरीके से पूरा मैंने अप्लाई कर लिया है बालों में, बैक की फ्रंट तक। अब ये मैं आधे घंटे तक रखने वाली हूँ, उसके बाद से इसको वॉश कर दूँगी और वॉश करने के बाद से कैसा लुक आता है फाइनल लुक वो आप लोगों का शेयर करती हूँ। कलर में पूरा बड़ा है, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हेयर को वॉश कर लिया है, अभी मेरा बाल सूख गया और कितना अच्छा सा कलर आ गया। मैंने सिर्फ 10 मिनट रखा था इसको और 10 मिनट में इतना ज़्यादा कलर आ गया। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम आधे घंटे रखिएगा, मैंने पहले भी यही कलर किया था तो इसीलिए मैंने 10 मिनट रखा और बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। क्योंकि पूरा बरगंडी कलर हो जाएगा तो फिर ये स्कैल्प के पास बरगंडी कलर दिखता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको प्रॉपर बरगंडी कलर चाहिए तो आप कम से कम 2 से 3 इंच छोड़ के उसके बाद से कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन आप स्कैल्प के साथ ही अटैच करके कर रहे हो तो आप ज़्यादा कलर मत लगाइएगा, थोड़ा देर के बाद ही वॉश कर दीजिएगा। ओके, तो ये है मेरे कलर का फाइनल लुक। बैक से कुछ इस तरीके का आया है कलर,
आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन सा कलर लगाती हूँ, कैसे लगाती हूँ, कितना टाइम रखना है और कैसे वॉश करना है सब कुछ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हेयर फॉल जैसे बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ। तो फ्रेंड्स, इस हेयर कलर के साथ मैं एक हेयर स्टाइल भी आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल बताऊँगी। तो इस तरीके से बीच की मांग मैंने निकाल ली है और साइड से सिंपली इस तरीके से लेयर्स को लेते जाएंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा लेयर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए इस तरीके से डालते जाएंगे। क्राउन एरिया तक इस तरीके से लेके आना है और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे एक टिकटक क्लिप से इसको सिक्योर कर लेना है। ओके, सेम इसी तरीके से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। पहले एक छोटा सा लेयर लीजिए नीचे की तरफ से और इस तरीके से रखना है, फेस के ऊपर से ही इस तरीके से लेके जाना है और इस साइड से इसके ऊपर क्रॉस करते हुए ये वाला लेयर लेंगे, फिर से सेकंड लेयर लेंगे इसके ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से नहीं बन पाया क्योंकि फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे लेयर लेना है, इसको रखना है, फिर ऊपर से लेयर लेना है, ऐसे ही बनाते जाना है लेयर ले लेके। सेम इसी तरीके से आपको इस साइड में भी बना लेना है। उसके लिए सिंपली यहाँ से लेयर लेंगे, इसके ऊपर दूसरा वाला लेयर डालेंगे, फिर से लेंगे और ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए लगाते जाएंगे लेयर्स को। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है। आप ये साड़ी के साथ बना रहे हो तो बहुत बेस्ट लगेगा ये वाला बन हेयर स्टाइल। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा कैसा बन रहा है। और आज मैं कौन सा हेयर कलर अपने बालों पे यूज करती हूँ, कैसे अप्लाई करती हूँ, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी टिक टैक क्लिप के सेट कर देंगे। तो इस तरीके से इधर भी और इधर भी मैंने बना लिया है, बाकी बचे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और एक पोनी बना लेंगे सिंपल से। पोनी बना के सिंपली इसको इस तरीके से हॉल करेंगे बालों में और पोनी के सारे हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ खींच देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा इसको लेयर इस तरीके से खींचिएगा। इसको खींचने से क्या होगा कि अच्छा सा साइड से लुक अच्छा आ जाएगा ट्विस्टिंग का। उसके बाद सिंपली अच्छे से कॉम करेंगे बालों में और एक रबड़ ले लेंगे पतला वाला, इस टाइप का रबड़ ले लेंगे। थोड़ा सा लेयर खोलते हुए रबड़ लगाएंगे, रबर बैंड को इस तरीके से खींचेंगे हेयर को, सॉरी, और रबर बैंड को अंदर की तरफ हाइड करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे और उसको यू पिन से सेट कर देंगे। यू पिन से बॉबी क्लिप से जिससे भी आप चाहो उससे सेट कर लीजिएगा। उसको अच्छे से इस तरीके से फैलाते हुए एक यू पिन इस साइड लगा दीजिए और एक इस साइड लगा दीजिए। यहाँ से आप इस तरीके से बालों को खींच लीजिए ताकि वॉल्यूम दिखे बालों में और ये हमारा बन करके रेडी हो गया। हेयर कलर करने का यही फायदा है कि जो भी हेयर स्टाइल आप बनाते हो वो अच्छे से दिखता है, जिस हेयर कलर की वजह से हमारा हेयर स्टाइल
बहुत अच्छा लुक आता है हेयर स्टाइल का। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और ये हेयर स्टाइल कैसी लगी वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप कि पसंद आई होगी। लेयर्स निकालना है तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, तो है ना बहुत ईजी सा क्विक लो बन हेयर स्टाइल साड़ी के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो ट्राई कीजिएगा, आप इसके साथ मांग टीका भी लगा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। एक बार और देख लो आप हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। इस तरीके का माला है मेरे पास, जो मोती वाले माले होते हैं, इसको सिंपली ले लेना है और यू पिन्स लेने हैं। और यहाँ पे रखिए असिस्टेंट बन जाएगा। दो तीन यू पिन्स लगा दीजिएगा इसके साथ में।